हमने ये भेजा था भी बच्चे आएंगे डॉक्टर बन के आएंगे, भारत में आएंगे, और अब तो हालात बिगड़ गए सर। और भारत सरकार कोई भी ऐसे कदम उठाना चाहिए सर, एकदम से बच्चों को लेकर आना चाहिए सर, छोटे छोटे बच्चे सर, 18-18 साल के बच्चे। गुड़ियों के वैसे तो डेली होती है, फिर सुबह की रोन लग रही है, कहते मम्मी हमारे पास तो एक बिस्कुट भी नहीं है खाने के लिए, अपने बच्चे ने कोई नहीं बार बेस करा जी, मैं तो बहुत पछताई हूँ, और कोई जाएगा तो मैं तो किसी ने जान भी नहीं दूँ। कहीं ना कहीं दुख बहुत दुख है जी, सारी चीज में दुख है, बच्चे ने फैल करेंगे, पैसे लेवेंगे, आगे पास कर देंगे, कोई वहाँ ऐसी स्टडी नहीं है जो मेरे इंडिया में थी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। हम इस समय कैथल जिला के लघु सचिवालय में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो यूक्रेन में जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए गए थे, जो वहां पर अब फंसे हुए हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहां जो सरकार मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन देने आए हैं जिला प्रशासन को, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ वहाँ का माहौल है, जो बच्चों से बातचीत होती है, क्या कुछ उनका कहना है? सर क्या नाम है? मेरा नाम बलजीत मोर है, मैं एडवोकेट हूँ। मेरी बेटी वहाँ 5th ईयर में खारखी में पढ़ती है, तो आज की जो स्थिति है वहाँ बिल्कुल क्रिटिकल स्थिति है। बच्चों को खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि स्टॉक नहीं कर सके। उनकी 26 तारीख की या 25 तारीख की बच्चों की फ़्लाइट थी, तो उन्होंने अपना स्टॉक किया हुआ था वो भी खर्च कर दिया, अपना यूज़ कर लिया, क्योंकि उन्हें आना था भाई, वेस्ट ना जाए ये। अब उनके पास स्टॉक नहीं है खाने पीने का, पानी का स्टॉक नहीं है, राशन नहीं है, तो अब उनको सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ राशन पानी की और इसकी है, सुरक्षा की तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ राशन पानी की भी दिक्कत है। बहुत लंबी लंबी लाइनें, बच्चों से बात हुई है कि लंबी लंबी लाइनें स्टोरों पर लगी हुई हैं, इंटरनेट बाधित होने को है, और उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि एटीएम काम नहीं कर रहे, वहाँ अकाउंट हैं बच्चों के, उससे पैसा नहीं विड्रा हो रहा, ये भी एक दिक्कत की बड़ी समस्या है। तो क्या मानते हैं कि अगर समय रहते ही सरकार द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जाते थे तो बच्चों को ऐसी परेशानी नहीं आती थी? क्या कुछ नहीं, बच्चे हमारे पास सुरक्षित होते, आज हमने ज्ञापन देने की क्या जरूरत थी, ज़रूरत ही नहीं थी हमें ज्ञापन देने की, आराम से अगर होते देखते रहते, जब शांति होती बच्चों को भेज देते वापस। दिक्कत तो हमें ये हुई है कि सरकार एक महीने से लगातार मीडिया भी प्रचारित कर रहा था और हर जगह ये था कि भाई बच्चों को बुलाओ, सुरक्षित नहीं है। बुलाएं कैसे, यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेज थी, ऑनलाइन क्लासेज नहीं थी, कल तक ऑफलाइन, मेरी बेटी कल ऑफलाइन क्लास लगा के आई है, अब बताओ कल। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और पेरेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो जिला प्रशासन के माध्यम से मार्फत दें जो ज्ञापन देने आए, उनसे बातचीत कर ले। सर क्या नाम है? मेरा नाम सर मनोज चौहान है, मेरी बेटी है सर खारखी यूनिवर्सिटी में जी, वहाँ पे भी बहुत हालात सर, बहुत बिगड़े हुए हालात है सर। और बच्चे कैसे आए जी, बच्चों के हमने फ़्लाइट भी करवा दी थी, अभी 26 तारीख की फ़्लाइट थी जी, पर अभी उनके पास बहुत दिक्कत आई हुई है। अभी वो जैसे मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सर लाइन है वहाँ पे जी, कोई सामान नहीं मिल रहा सर वहाँ पे, और आने वाले टाइम में बिजली भी बाधित हो सकती है सर, इंटरनेट भी बाधित हो सकता है, और बच्चे बहुत खौफ में है सर, बहुत डरे हुए हैं सर। लास्ट टाइम जब अपने जो गुड़िया है उनसे कब बातचीत हुई थी और क्या उन्होंने बताया, किस तरह के हालात वहाँ पर? लास्ट आज मेरी दिन में बात हुई है जी, दिन में बात हुई है, बोला हम मार्केट में गए थे अभी कुछ लेने के लिए, तो मार्केट में ना बड़ी लंबी कतारें लगी और कुछ भी मिल नहीं रहा वहाँ पे, और अभी ये पता लगा उनको भी अब हमारे को यहाँ से कभी पूर्वी उसमें हिस्से में कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कैसे करेंगे, इतना सामान कैसे जाएगा बच्चे के पास, तो बहुत वहाँ पे अव्यवस्थित हो गया सर सब कुछ। तो बच्चों को लेकर एक तरह की जो परिवार को किस तरह की चिंता रहती है, आप किस तरह से चिंतित हैं अपने बच्चों को भविष्य के लिए, वहाँ पर भेजा था परंतु वहाँ पे जो विपरीत जो परिस्थितियाँ हैं वो हो गई हैं, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद? सर हमने ये भेजा था भी बच्चे आएंगे डॉक्टर बन के आएंगे, भारत में आएंगे, और अब तो हालात बिगड़ गए सर। और भारत सरकार कोई भी ऐसे कदम उठाना चाहिए सर, एकदम से बच्चों को लेकर के आना चाहिए सर, छोटे छोटे बच्चे सर, 18-18 साल के बच्चे। बिल्कुल, पूरी तरह से भावुक जो हो चुके हैं पेरेंट्स, क्योंकि उनके दिलों में जो दर्द है वो दिख रहा है, और जो इनका पूरी तरह से कहना है कि सरकार को इसके प्रति पूरा कदम उठाना चाहिए। एक और महिला हमारे साथ है जिनकी जो बेटी है वो भी विदेश में फंसी हुई है यूक्रेन में, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम क्या नाम है? संतोष गोयल। कौन है वहाँ पे आपका यूक्रेन? मेरी गुड़िया। हाँ जी। तो कब गई थी? 4 साल हो गए। 4 साल? हाँ जी। तो अब क्या कुछ वहाँ पे बताया, गुड़िया से कब बात? गुड़ियों के वैसे तो डेली होती है, फिर सुबह की रोन लग रही है, कहते मम्मी हमारे पास तो एक बिस्कुट भी नहीं है खाने के लिए, क्यों 26 की उसकी वो थी बुकिंग थी, 29 सारा ख़त्म कर दिया, अभी स्टॉक का फ़ायदा भी क्या है, तो अब सुबह की रोन लग रही है, पानी बंद है बिल्कुल सब चीज़, बच्चे परेशान है। तो बच्चे अपने पढ़ाई के लिए जो भविष्य के लिए भेजे थे, परंतु अब उनको परेशानी है, क्या कुछ बीत रही है आपकी, क्या कैसा? वो तो मैं अपने अंदर तक कैसे वो कर सकती हूँ भाई, क्या बीत रही, वो तो आप सभी जानो, सब गृहस्थी वाले हैं,
अपने बच्चों कोई नहीं बार बेस करा जी, मैं तो बहुत पछताई हूँ, और कोई जाएगा तो मैं तो किसी ने जान भी नहीं देऊँ। कहीं ना कहीं दुख बहुत दुख है जी, सारी चीज़ में दुख है, बच्चों ने फैल करेंगे पैसे लेवेंगे आगे पास कर देंगे, कोई वहाँ ऐसी स्टडी नहीं है जो मेरे इंडिया में थी। तो ये जो बच्चों के पेरेंट्स थे जो आज जिला लघु सचिवालय में जो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिनका कहना है कि जो इनके बच्चे हैं वो अपने भविष्य बनाने के लिए वहाँ पर भेजे थे, परंतु उनके बच्चों को जो वहाँ परेशानी है उसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए। कैमरामैन नसीब सैनिक, सर कैथल से जयपाल रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।